और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में हुई है कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 15 GRG कांग्रेस वॉर रूम में 5 घंटे तक चली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, PCC चीफ डोटासरा, डॉक्टर CP जोशी, सचिन पायलट समेत स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में AICC ऑब्जर्वर और सचिवों से मिली रिपोर्ट को सर्वे से कराया गया है क्रॉस चेक। सर्वे से मैच होने वाले नामों पर आज की बैठक में सहमति बनी है। पार्टी के सभी नेताओं की सलाह और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नाम तय हुए हैं। सचिवों से एक एक सीट को लेकर अलग अलग फीडबैक लिया गया है। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन, वीरेंद्र राठौड़ से भी अलग अलग फीडबैक लिया गया है। बैठक में 95 सिंगल नामों की सूची तैयार हुई है। ये वे नाम जिन पर नहीं कोई विरोध और फीडबैक भी अच्छा है। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स में भी माना गया है इन सभी नामों को मजबूत स्थिति में। 17 अक्टूबर को दोबारा होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और उसके बाद 18 अक्टूबर को CEC की बैठक में लगेगी प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर। सूची में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरेवास, रफीक खान, रामकेश मीणा, लालचंद कटारिया, ब्रजेंद्र ओला, रामलाल जाट, प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, रघु शर्मा, रोहित बोहरा, गिरिराज सिंह मलिंगा, शोभा रानी कुशवाहा, शकुंतला रावत, चेतन डूडी, राजेंद्र यादव, इंद्राज गुर्जर, मुकेश भाकर, हरीश मीणा, धीरज गुर्जर सहित 95 नामों की सूची तैयार है। तो देखिए, आज जो बैठक हुई है उस बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा हुई है और ये जानकारी हमें मिल रही है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने शाम को ही ये जानकारी आप तक पहुंचा दी थी कि बैठक में 95 सिंगल नामों की सूची तैयार हुई है और ये वो नाम है जिन पर कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है और जो सर्वे कराया गया है उस सर्वे में फीडबैक भी अच्छा आया है। और ये माना जा रहा है कि ये 95 जो सिंगल नामों की सूची तैयार हुई है इस पर ही अंतिम मोहर लगेगी, लेकिन CEC की बैठक का इंतजार करना होगा। CEC की बैठक में ये जो प्रत्याशियों की सूची तैयार हुई है सिंगल नामों की, 95 जिसमें नाम बताए जा रहे हैं उनको CEC को भेजा जाएगा और उसके बाद अंतिम मोहर CEC की बैठक में ही लगेगी। लेकिन जिस तरीके से भी बताया जा रहा है कि ये जो 95 नाम है ये तो फाइनल है, लेकिन इसके अलावा CEC में एक एक सीट को लेकर, एक एक सीट पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी और उसके बाद ही सभी नामों पर फाइनल मोहर लगेगी। और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नामों पर अगर सहमति ना बनी हो या फिर कुछ संशय हो तो उसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिन नामों पर कोई विरोध नहीं है और जो सर्वे कराया गया है, कई सर्वे कराए गए हैं पार्टी में और उस सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट्स सामने आई है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर जो फीडबैक अच्छा मिला है, जहां पर जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद जो सीटें हैं वहां पर सबसे पहले प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाए। 17 तारीख को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद 18 अक्टूबर को CEC की बैठक होगी। और जिस तरीके से जब बैठक खत्म हुई थी, एक के बाद एक सदस्य जब बाहर आए थे, गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा था कि अभी तो और बैठक होना बाकी है, CEC की बैठक के बाद सब कुछ फाइनल होगा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ रही हैं। अदिति, तो फिर ये मानकर चले जो 95 नामों का हम जिक्र कर रहे हैं बार बार और ये बता रहे हैं कि 95 सिंगल नामों की सूची तैयार होगी जिन पर कोई विवाद नहीं है और जो सर्वे हुआ है और सर्वे में फीडबैक भी अच्छा आया है, तो फिर हम ये माने कि इस पर ही अंतिम मोहर लगेगी और यही जो नाम होंगे, जो प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, वो इसमें शामिल रहेंगे। देखिए, बिल्कुल, आज आपको सबसे पहले समझाते हैं, 5 घंटे की बैठक चली, 7 घंटे लगभग, 5 बजे शुरू हुई थी, 9:15 बजे बैठक चली। अब इस बैठक में मुख्यतः बड़ी शांति से बैठक हुई। इस बैठक में हुआ क्या, इस बैठक में उन सीटों पर चर्चा हुई जिन सीटों पर सब कुछ सहमति जैसा था, जिन सीटों पर निर्विवाद तरीके से जिसपे चयन होना था, कोई विवाद नहीं था। और अगर इसको और बेहतर तरीके से समझें, दरअसल AICC ने अलग अलग स्तर पे सर्वे कराए, एक तो सर्वे कराया था, दूसरा जितने भी सचिव थे उनके क्या इनपुट थे अपने अपनी सीटों को लेकर, फिर पैनल में किस किस के नाम थे जो ऑब्जर्वर AICC ऑब्जर्वर के याद थे, तो ये तमाम लेवल पर जो एक नाम कॉमन आया किसी सीट से उसको फाइनल कर दिया गया। इसीलिए वो निर्विरोध वाले नाम थे जिसपे कोई विवाद नहीं था। जैसे कि अशोक गहलोत, जब सर्वे हुआ तो अशोक गहलोत की अपनी सीट पे सबसे बेस्ट सर्वे आया,
और सारे दूसरे जो इनपुट्स थे और जो दूसरे तरीके के आईसीसी ऑब्जर्वर सचिवों से लेकर जो तमाम फीडबैक थे उसमें भी अशोक गहलोत का नाम, ठीक वैसे ही सचिन पायलट, ठीक वैसे ही गोविंद सिंह डोटासरा, सीपी जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास, रोहित पुरा, ये तमाम वो नाम है जो हमारे स्क्रीन पर अभी दिख रहे हैं, ये उन 95 में से लगभग वो तमाम नाम है जिन पे कोई भी विवाद नहीं। इसके अलावा मुकेश भक्त का भी इसमें नाम है और तमाम ममता भूपेश का भी इसमें नाम है, तो तमाम ये सारे नाम इसमें नजर आ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि एक और स्क्रीनिंग कमेटी की जो दूसरी बैठक होगी वो होने वाली है 17 तारीख को। 17 तारीख को भी ठीक ऐसे ही बैठकों का दौर चलने वाला है और 18 तारीख को पहली राजस्थान की चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें ये लिस्ट को लेकर जाया जाएगा। फाइनल मोहर सिंगल पैनल जाएंगे लेकिन फाइनल मोहर टीसी में लगाई जाएगी।